वेलकम टू टचवुड। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मटेरियल ब्राउजर के बारे में। सबसे पहले मटेरियल ब्राउजर हमें किधर मिलेगा, इधर देखिए विजुअलाइज में ये दे रखा है मटेरियल ब्राउजर। इस पे हम जब डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस टाइप का बॉक्स ओपन हो, या फिर हम इधर जो मेन्यू बार में आकर के व्यू में जाएंगे, व्यू में हम रेंडर पर आएंगे। रेंडर पे हमें देखिए इधर दे रखा है मटेरियल ब्राउजर, इस पे जब डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस टाइप का बॉक्स अपीयर होगा, ये मटेरियल ब्राउजर बॉक्स है। अब क्या होगा, ये देखिए ऑटोटेक्स लाइब्रेरी के इधर एरो के बगल में इधर हमें डिफरेंट मटेरियल्स दे रखे हैं, जैसे कि फिनिशिंग, फ्लोरिंग, ग्लास, लिक्विड मेटल, मिरर पेंट, रूफिंग, तो वॉल पेंट, ये सब हमें मटेरियल दे रखे हैं। तो मान लीजिए मैं अभी वॉल पेंट ले लेता हूँ। वॉल पेंट में से अब मुझे इधर डिफरेंट डिफरेंट वॉल पेंट्स दे रखे हैं। मान लीजिए मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँगा, देन इसको ड्रैग करके लेके जाऊंगा और ऊपर ये जो बॉक्स है इधर ले जाकर लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दूंगा। तो इसको ड्रैग करके मैंने इधर ला करके रख दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले व्यू चेंज कर दूंगा रियलिस्ट। नाउ अब मैं ये जो है किस वॉल पे करना चाहता हूँ, ये वॉल पे उस वॉल को सिलेक्ट करूंगा। मान लीजिए इस वॉल पे करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगा इस वॉल पे, ये वॉल सिलेक्ट हो गई। मान लीजिए इस पे भी कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, मान लीजिए इस पर भी तो कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, देन इस पर कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, देन इधर आऊंगा और राइट क्लिक प्रेस करूंगा और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्शन इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूं। ये देखिए ये कलर इधर आ गया। अब मान लीजिए मैं इधर कोई और मटेरियल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब फ्लोरिंग ले लेता हूँ। फ्लोरिंग मान लीजिए मैंने इसको लेके इधर लेकर गया, देन मैं फ्लोर को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, देन इधर राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन। तो ये देखिए ये फ्लोरिंग मेरी आ गई। तो इस टाइप से मैं मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट में यूजिंग मटेरियल ब्राउजर। इस फ्लोरिंग को एडिट करना है तो ये देखिए कॉर्नर में मुझको बॉक्स दे रखा है एडिट का, इधर लेफ्ट क्लिक करूँगा, देन ये देखिए मैं इसकी फिनिश चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए ग्लॉसी वेनिश और फ्लोरिंग, इस टाइप से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। नाउ सेकंड चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कि भाई मैं अपने ड्राइंग में कैसे विंडो या फिर डोर ड्राफ्ट कर सकता हूँ या डिजाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डोर है दे रखा है इधर, मैं इधर एक डोर लगाना चाहता हूँ, ड्राफ्ट डिजाइन करना चाहता हूँ और उसको इधर लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और 2D वायर फ्रेम में आ जाते हैं मान लीजिए और फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। तो ये देखिए ये डोर दे रखा। सो हमने एक कमांड पढ़ी थी कॉपी एच, ये कॉपी एच, देन मैं इस डोर को जो लाइन से डोर की लाइन उनको कॉपी एच करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा, देन इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मान लीजिए यहाँ ला करके रख। अब मैं बाउंड्री करूंगा BO एंटर, पिक पॉइंट, ये पॉइंट लिए देन एंटर। नाउ मैं ऑफसेट डालूंगा, यानी अब मैं डोर को डिजाइन कर रहा हूँ। ऑफसेट मान लीजिए मैंने डाला 6 inches पर, वो ये देखिए। अब मैं डोर हैंडल या नॉब डाल सकता हूँ, मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या करूंगा, मैं प्रेस पुल करूंगा, यानी डोर को ये इसको प्रेस पुल किया मान लीजिए मैंने 2 inches, बीच वाले को मैंने प्रेस पुल किया मान लीजिए 1 inches, सर्कल को मैंने प्रेस पुल कर दिया मान लीजिए 4 inches। सो अब मैं इधर वापस आ जाऊंगा रियलिस्टिक में और अब इस डोर को देखिए, ये इस टाइप का डोर है। अब मैं मटेरियल ब्राउजर पे आऊंगा वापस विजुअलाइज, ये मटेरियल ब्राउजर, देन मैं इधर से वुडन फिनिश ले सकता हूँ या फिर ये वुड ले लिया, मान लीजिए ये वुड मैंने ले लिया, देन मैं सेलेक्ट करूँगा जिधर वुड अप्लाई करना चाहता हूँ मान लीजिए इधर इसमें, इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन। तो ये देखिए वुड अप्लाई हो गई सर। अब मान लीजिए मैं इधर ग्लास देना चाहता हूँ तो इधर से ग्लास सेलेक्ट करूँगा, देन ग्लास इधर ड्रैग करूँगा, देन इसको सेलेक्ट करके इधर असाइन टू सिलेक्शन करूँगा। अब इस ग्लास को भी मैं एडिट कर सकता हूँ, एडिट पर आकर के इधर कॉर्नर में एडिट बटन है, देन नेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा। इस बॉक्स में आकर के ये देखिए मैं ऑप्शन दे रखे हैं रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी। मान लीजिए मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी अमाउंट कम करना है तो वो मैं कम भी कर सकता हूँ, बढ़ाना है तो बढ़ा सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो इतनी मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ मान लीजिए ये। अब ये डोर नॉब है, इधर मैं मेटल चूज कर सकता हूँ ऑप्शन में से, इसको ड्रैग करके इधर लिख कर गया, देन इसको सेलेक्ट किया राइट असाइन टू सिलेक्शन। सो ये देखिए ये हमारा डोर बन गया। अब मैं इसको यूनियन कर सकता हूँ, यूनियन ये देखिए यूनियन लिया, ऑब्जेक्ट एंटर प्रेस किया, अब ये पूरा एक हो गया। अब मैं इसको कॉपी करके इस पॉइंट से मान लीजिए उठा के ले जाता हूँ और ले जा करके इसकी जगह पर इधर मान लीजिए
यहाँ रख दिया। सो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मटेरियल ब्राउजर के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा डोर्स या विंडोज को डिजाइन करने के बारे में ऑटोकैड 3D में।